हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूट्यूब पर। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं डैंड्रफ ऑयल, जिससे वो हमारे वो सिकरी हो जाती है ना बालों में, तो उसको घर के घरेलू नुस्खे से तेल तैयार कर रही हूँ। वो कैसे हम ठीक करते हैं उसको तेल लगा के, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वो तेल तैयार करने में उसमें क्या क्या चाहिए हमें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। इसमें पहले ये नारियल का तेल लिया है मैंने, ये लहसुन है, और ये है नीम की पत्तियाँ, ये सरसों का तेल, और एक ये टिक्की लेनी है हमने, मुश्कपूर जो होता है वो लेना है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई ये लोहे की ली है, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल। ये जो लोग सरसों का तेल यूज़ नहीं करते वो कम डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद मैं ये नारियल का तेल यूज़ करूँगी, ये मैं पूरा ही डाल दूँगी। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ये जो लहसुन मैंने आपको बताया था उसको मैंने छील कर तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। इसको धीमी आंच पर ही बनाना है हमने। और फिर इसके साथ यहाँ पे हम डाल देंगे नीम की पत्तियाँ 10-12, ये भी डाल देनी है बीच में हमें। अच्छे से भूनना है इसको हमने। जैसे ये नीम की पत्ती और लहसुन का कच्चापन चला जाए और इसका पूरा असर तेल में निकल जाए। अगर आप में ज़्यादा आपके सिर में ये डैंड्रफ है, ज़्यादा आपको सिकरी की प्रॉब्लम है, तो आप लहसुन को ऐसे इसमें तेल में रहने। अब ये देखो ये लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये मुश्कपूर जो हमने बोला था आपको, ये मैंने पीस लिया था। गैस धीमा ही रखना है हमको। अभी ये देखो तेल तैयार हो गया और बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है ये। अब ठंडा करके हम इसको ये कांच के बर्तन में छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा सिकरी को ख़त्म करने वाला तेल जो है वो हमने तैयार कर लिया है। तो आप इसको रेगुलर यूज़ करो, आपके भी सिर में ऐसे सिकरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दिनों में ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये नुस्खा अपनाया हुआ है अपने बेटे के ऊपर, उसके सिर में वो ना दस्तार बनता था, तो उसके जूड़े के नीचे जो होती है जगह, वहाँ बहुत सिकरी बन गई थी। तो मैंने ये तेल लगाया तो उसकी सिकरी, ये खारिश तो एकदम से ही आपकी ख़त्म कर देगा। जो आपके सिर में खुजली होती है, खारिश होती है ना, वो ख़त्म कर देगा। तो आप भी प्लीज़ इसका एक बार इस्तेमाल करके देखें, बनाकर देखें घर में। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। उसी से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। बाय।